विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं ऋचा सेठ, आप ही साइंस की टीचर, आज विद्यालय की तरफ से ये सेशन ले रही हूँ। सो हम लोग जानते हैं कोयला और पेट्रोलियम हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने अब तक कोयले के बारे में जानकारी ले ली है। आज टाइम है हमारा पेट्रोलियम के बारे में समझने का टाइम। पेट्रोलियम, पेट्रोल कौन नहीं जानता है, तो अब ये पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है। कोयला हमने देखा कि वनस्पति जब एक धरती के नीचे मिलियन ऑफ इयर्स वो दब जाते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, तो जो वनस्पति है तो वो फिर जब एक हाई टेम्परेचर उसको मिलता है तो उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है और वो कोयले में चेंज हो जाता है। तो पेट्रोलियम भी क्या इससे बनता है? नहीं, पेट्रोलियम बनने का दूसरा एक तरीका है, तो चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। सो बच्चों, पेट्रोलियम की जो बात करते हैं तो ये पेट्रोल जो अगर हम पेट्रोलियम बोल रहे हैं, लेकिन आपने वर्ड सुना होगा पेट्रोल, तो क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है? चलिए इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि ईंधन के रूप में हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं और उसमें जो मेन उसका उपयोग जितने वाहन है उनको चलाने में हमारा उसका होता है। और लेकिन जो हमारे बाहरी वाहन है, जैसे ट्रक है, बसेस है, तो वो हमारा डीजल से चलता है। तो क्या पेट्रोल और डीजल अलग अलग है? हाँ, अलग अलग है, लेकिन वो मेन किससे बने हैं? वो पेट्रोलियम से बने हैं। तो जैसा हमने देखिए ऊपर देखा था ना, जब हमने कोयले के तीन रूप के बारे में बात करी थी, कोक, कोलतार और कोयला गैस के बारे में बात करी थी, तो ये सब कहाँ हमें कोयला से मिले है ना, जो ये जो कोयले जो हमें मिलता है बेसिक, उससे हमें ये सब चीजें मिली। इसी प्रकार मेन क्या सोर्स है हमारा? पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल मिलता है, पेट्रोलियम से हमें ये जो डीजल है वो मिलता है। अब जैसा हमने कोक का पढ़ा था कि कोक जो है वो सबसे ज्यादा शुद्ध रूप है, इसी प्रकार अब हम देखते हैं जो पेट्रोल है वो भी पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा शुद्ध रूप है, इसलिए हम देखते हैं कि वो एक सबसे ज्यादा महंगा भी मिलता है। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है। जो पेट्रोलियम का जो एक निर्माण है वो क्या है, वो समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो जब मृत हो जाते हैं और नीचे जो आप देखते हैं समुद्र कितने गहरे हैं, लेकिन उसके नीचे भी मिट्टी होती है, और तो समुद्र के नीचे जो मिट्टी है उसमें जो जल के जो जीव जंतु हैं, जो वनस्पति है, वो जो मेन जीव जंतु हैं, हम जीव जंतु की बात करेंगे, तो ये जो होते हैं ये जब समुद्र के नीचे तलहटी में दब जाते हैं और लाखों वर्षों तक उनमें फिर क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति होती है, अगेन उच्च ताप होता है, और उच्च दाब में ये जो मृत जीव होते हैं ये पेट्रोलियम में और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते। तो हमने कोयला जो है वो वनस्पति से बन रहा है, पेट्रोल जो है जो जीव जंतु हैं समुद्र में रहने वाले वो उनसे बन, तो अब आप देख लें। और यहाँ पे भी हम यही कर पढ़ रहे हैं लाखों वर्ष, तो आपको याद होगा जो मैंने पहला सेशन लिया था उसमें यही था कि हमारा ये बनने में लाखों वर्ष लग रहे हैं, कि कितनी हमारी जनरेशंस क्रॉस हो जाएंगी तब वो प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे सामने इस समय जो वो है तो कई जनरेशंस के लिए हमारे पास रिसोर्सेस है, तो हमें उनको सेव करके रखना है कि जब तक वो नया एक वो जो है वो और बने हमारा उसका कहें कि एक हमारे पास जो उसके एक क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो, तो वो हमारा मेंटेन रखने के लिए हमें जो हमारे ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनको हमें बहुत ही एक केयरफुली यूज करना होगा। अब ये जो है यहाँ पे देखिए इस चित्र में इन्होंने दिखाया है कि पेट्रोल कैसे एक निकाला जाता है। तो यहाँ देखिए जल है और ये देखिए ये तेल की लाइन है, यहाँ देख जो मिट्टी है तो वो भी क्या होता है एक चट्टान का रूप ले लेती है, और इसके ऊपर हमें गैस मिलती है।
तो यहाँ देखें कि अब ये तीन चीजों पर हम पहले मैं आपको पिक्चर से समझाना चाहती हूँ, फिर हम देखेंगे क्या लिखा है। तो सबसे नीचे जल है और आप जानते हैं जल में जब तेल मिल जाता है तो तेल ऊपर एक लेयर बना लेता है, क्योंकि जो ऑयल है डेट इज लाइटर देन वॉटर, वो जल से हल्का होता है। तो वो एक जो हमारा जो एक पेट्रोलियम क्या कहें, ये एक ऑयल प्रोडक्ट है, तो ये ऊपर एक लेयर बना लेता है। और इसके ऊपर क्योंकि गैस क्या है वो ऑयल से भी लाइट होती है, तो गैसेस क्या है हमारे जैसे चारों तरफ है, ये लाइट है। तो ये जो जब ये सब प्रोसेस बन रहा है और हम ये जानते हैं कि उच्च ताप पर उच्च दाब पर हो रहा है, तो नेचुरली गैसेस बनेंगी, क्योंकि बहुत सी चीजें गैसियस फॉर्म में आ जाती हैं, तो इसलिए वो तेल के ऊपर उनकी एक लेयर होती है वो गैस। तो यहाँ देखिए हम ऊपर से जो हमारा ये एक जल का सरफेस है, तो यहाँ पे इस टाइप से कुआं बनाया जाता है और एक काफी नीचे ड्रिलिंग होती है जहां से तेल निकलता है, और उससे थोड़ी कम हाइट पर की ये जो होता है ड्रिलिंग होती है जहां से नेचुरल गैस निकाली जाती है। तो जब हम तेल, जहां पे ये जरूर सुना होगा कि समुद्र से तेल निकालने की प्रक्रिया चल रही है, तो उस प्रक्रिया में हमें गैसेस भी मिलती हैं, जैसे हमने ऊपर कोयला गैस के बारे में बात करी थी, ऐसी ही यहाँ पर इस समय भी हमें गैस मिलती है। आ गया ना समझ में क्यों ये तीन लेयर्स है? ठीक है, सो यहाँ पे यही चीज आपको बताई गई है कि तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है, तो ये मैंने आपको समझा दिया क्यों है। तो अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि विश्व का, ये आपको जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो विश्व में जो पहला तेल का कुआं था वो पेनिसिल्वेनिया में, अमेरिका में एक स्टेट है, वहां पर उसमें उसको ड्रिल करके निकाला गया था 1859 में। और इंडिया में अगर हम देखें तो 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। और ये सारा ये जनरल नॉलेज का केबीसी का क्वेश्चन है ना, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो भारत में जो तेल है वो कौन कौन सी स्टेट्स में, असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदी। तो यही सारे प्रश्न केबीसी में भी पूछे जाते हैं, तो जनरल नॉलेज आपकी इंक्रीज हो रही है कि जब जब हम अपना जितना पढ़ते हैं हमारी जनरल नॉलेज इंक्रीज होती है। अब जो हम पेट्रोलियम का परिष्करण की बात करते हैं, मींस जब हम उसको प्योरीफाई करते हैं, क्योंकि ये तो हमें एक रॉ फॉर्म में मिल रहा है, अब जब उसके हम जब उसके एक उसका प्योरिफिकेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो जब हमें उस समय जब वो चलता है तो उसमें बहुत एक हमें गंध अप्रिय होती है, और ये जो हमारा बेसिक जो मिलता है वो बहुत गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है। तो आप जो आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो ये नहीं सोचिए ये उसी फॉर्म में निकला है, ये पेट्रोलियम को जब प्योरीफाई करा गया है तब आपको ये पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है। तो आप ये जो पेट्रोलियम से हमें देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, हमें पेट्रोलियम गैस मिलती है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, स्नेहक तेल मिलता है, पैराफीन मोम, जो मोम वैक्स आपको है ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और ऐसी बहुत सी चीजें हमें जब हम उसका प्योरिफिकेशन करते हैं तब मिलती है। और पेट्रोलियम के अगर हम विभिन्न संगठनों के बारे में बात करते हैं तो उनको पृथक करने का जो हमारा एक जो अभी हमने ये देखा कि हमें कैसे वैक्स है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब जो चीजें मिल रही हैं, ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं परिष्करण, प्योरिफिकेशन। कि जब हम जो एक गाढ़ा सा जो हमें द्रव मिला है उसको जब हम प्योरिफाई कर रहे हैं और हमें जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो होता है पेट्रोल का परिष्करण। और ये कार्य जो होता है ये पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज बोलते हैं, तो जहाँ पे इनका ये पूरा एक प्रोसेस चलता है। और यहाँ पे देखें ये पूरे आपको एक मिनट, हाँ तो ये हम वो वाला पॉइंट आपसे बाद में अभी डिस्कस करते हैं, पहले इसको देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं।
तो हमें जो हमने देखा था ना, सबसे ऊपर हमें गैस मिलती है, तो वो एलपीजी, फिर पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, बिट्यूमेन, जो अभी हमने देखा था सड़क निर्माण में कि हमने जब देखा था कोल टार की जगह, आजकल हमने कहा था ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक मिलता है, तो बिट्यूमेन ये हमें मिलता है। तो और इनका उपयोग कहाँ है, तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है ये, कोई इसमें हमें एक्सप्लेन नहीं, आपको ये एक पढ़ के थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। इसके साथ हम देखते हैं पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी हमें पदार्थ मिलते हैं, इन्हें हम कहते हैं पेट्रो रसायन। तो पेट्रो रसायन क्या हुआ कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जो हमें एक उपयोगी पदार्थ मिल रहे हैं वो हो गए पेट्रो रसायन। और इनका उपयोग क्या होता है, अपमार्जक रेशे, जो हमें जैसे हमारे पॉलिस्टर है, नाइलॉन है, ये जब हमने फैब्रिक के बारे में पढ़ा था तब हमने इन रेशों के बारे में भी पढ़ा था। पॉलिथीन है, देखिए जो प्लास्टिक पॉलिथीन जो है वो भी हमें ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। और जैसा मैंने अभी आपको कहा था प्लास्टिक, और ये जो इनके निर्माण में इन सब का उपयोग होता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम यूरिया के उत्पादन हेतु करते हैं। और तो ये जो है, तो मीन्स जब हमें गैस का हमारा प्योरिफिकेशन चल रहा है उस समय जो हमारी जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका उपयोग हम यूरिया निर्माण में करते हैं। तो देखिए जब हमारे प्योरिफिकेशन का प्रोसेस चलता है तो उसमें हमारा, तो हम कुछ मिक्स कर रहे हैं, उनको प्योरिफाई कर रहे हैं, एक केमिकल प्रोसेस चल रहे हैं, तो उन सब जब वो प्रोसेस चल रहे होते हैं तो और बहुत सी चीजें का निर्माण होता है। और उसको अगर हम देखें आजकल के टाइम में हम विभिन्न प्रकार यूज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत वाइड टॉपिक है, लेकिन वही कि अभी आपको बेसिक पता चल रहा है, आगे और जैसे जैसे आप क्लासेस में जाएंगे आप इनकी और डिटेल समझते जाएंगे, आगे आपको पूरा एक पढ़ने को मिलेगा कि किस टेम्परेचर पे हमें पेट्रोल मिल रहा है, किस टेम्परेचर पे हमें डीजल मिल रहा है, कैसे उनकी रिफाइनिंग चल रही है, ये सब आप अपने जैसे बड़े क्लासेस में जाएंगे पढ़ते जाएंगे। तो क्योंकि अब हम देख रहे हैं जो पेट्रोलियम है उससे हमें अनेकों प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये तो अभी आपको कुछ ही नाम दिए, बहुत देर मिल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ब्लैक गोल्ड या काला सोना। जैसे सोना ये कीमती है, इसी प्रकार पेट्रोलियम भी बहुत कीमती। तो जो हमने पढ़ा है आज उसको थोड़ा सा नोट्स रूप में भी देख लेते हैं। सो पेट्रोलियम का समुद्र में रहने वाले जीवों का मृत शरीर समुद्र के पेंदे में रेत तथा मिट्टी द्वारा लाखों वर्षों तक ढका रहता है। वायु की अनुपस्थिति, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा, उच्च दाब तथा ताप मृत जीवों को पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर देते। तो या अब आप डिफरेंस याद रखिएगा कोल और पेट्रोलियम में क्या फर्क है। सो बच्चों आज हम लोगों ने देख लिया, ये हमने एक नोट्स रूप में भी देख लिया पेट्रोलियम कैसे बनता है, लेकिन जो आपके बुक में जो चार्ट दे रखा है पेट्रोलियम के डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं उसको आप अपना बुक से याद करके रखिए, और आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी एज इट इज नोट कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पेट्रोलियम से कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं और उनका उपयोग कहाँ होता है। अगले सेशन में हमारे इस चैप्टर के थोड़े से और टॉपिक बचे हैं जो मैं लूंगी, तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।